मौत सामने आ गई। हमने तो देखा तो हम बीच में से अगर चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सब एक लोग और 3 बार आवाज आया। छेली बार आवाज आया ना तब नाला टूट गया जोर से नाला टूट गया। फिर वो सामने वाले से पुल गिर गया, पुल गिर कर आ बाजू से गिरा तो हम इधर थे और हमने झाड़ी पकड़ ली और झाड़ी पकड़ के हम निकल गए धीरे धीरे बाहर। जो कल FIR दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो FIR की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना ही पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे 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 इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। ये कल जो हादसा हुआ उसकी वजह से पूरा मोरबी कल रात से ही बंद है। सबने अपनी तरह से एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है कि ये हादसा बहुत बुरा हुआ है। मतलब बहुत ही हृदय में बहुत दर्द हो रहा है सबके कि इतने 150 लोग के करीब शायद मर गए हैं। सो किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी कोई बच्चे रह गए हैं उनके परिवार चला गया है, कोई अपने माँ बाप को खो दिया है, किन बच्चों को खो दिया है।